में ओला एंड उबर के ड्राइवर्स को रुपीज 15 से 18 पर किलोमीटर मिलते थे। क्या लगता है सब काट वाट के उनके हाथ में कुछ आता भी होगा। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज के एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है गाइस। आज एक अपने वीडियो के माध्यम से एक रिव्यू करके आपको बता रहा हूँ। रिव्यू मिस क्या कि एक हमारे गौरव ठाकुर जी है, उनकी वीडियो देख करके काफी लोगों ने देखी होगी और शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो भाइयों ने मेरी वीडियो के जरिए माध्यम से जो जुड़ा है मेरे चैनल के माध्यम से, उनको नहीं पता होगा कि ओला और उबर क्या है, क्या अर्निंग है, क्या उनकी बायोग्राफी है, क्या क्या हमें मिलता है, काम करके क्या मिलता है हमें, और कैसे क्या क्या स्टार्टअप में हुई थी जर्नी फॉर ओला उबर। तो दोस्तों उसी वीडियो के माध्यम से मैं रिव्यू कर रहा हूँ, तो ये वीडियो आप लोग के लिए कितना नॉलेजेबल फुल होने वाला है प्लीज कमेंट सेशन में आप जरूर बताना, और अच्छा लगे तो लाइक करके जाना, चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करना, और गौरव ठाकुर जी का भी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि क्योंकि क्रेडिट उन्हीं का है, मेरा नहीं है क्रेडिट, मैं एक रिव्यू दे रहा हूँ आप लोगों के लिए सपोर्टर, ये ओला उबर जितने भी नए ड्राइवर आना चाहता है उसके लिए। तो चलिए गाइस वीडियो में देरी ना करते, वीडियो को करते हैं। ओला एंड उबर के ड्राइवर्स को रुपीज 15 से 18 पर किलोमीटर मिलते थे, एंड इफ आज देखा जाए तो उन्हें मिलते हैं सिर्फ 9 से 10 रुपए पर किलोमीटर, जिसमें से भी उनका बहुत कुछ कटता है। तो एट लास्ट क्या लगता है सब काट वाट के उनके हाथ में कुछ आता भी होगा। जहां सवाल ये भी उठता है कि उतने पैसे क्या काफी है एक ड्राइवर को अपनी जान जोखिम में डालने के लिए, क्योंकि सर्वे से पता चला है कि ओला एंड उबर के ड्राइवर्स 17-17 घंटों तक ड्राइविंग करते हैं, जिसके चलते उन्हें कॉन्स्टिपेशन, लिवर इश्यूज, वेस्ट एक, नेक एक, चेस्ट पेन और अस्थमा जैसी जानलेवा बीमारियां होती है। सो क्या यही सब वजह है कि ओला एंड उबर चलाने वाले ड्राइवर्स की संख्या में गिरावट आई है? क्योंकि इफ स्टेटिस्टिकली देखा जाए तो 2016 में डेली राइड्स का ग्रोथ 90% था, जो 2017 में जाकर 47% तक गिर गया था, और 2018 में तो ये महज 20% तक आ पहुंचा। वेल, इसी गिरावट के वजह का खुलासा आज मैं करने आया हूं यहां पर, और आपको कुछ इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा जिसे सुनकर आपका माइंड ब्लो हो जाएगा। So without wasting any time, let us get on with our today's video titled, How much do Ola and Uber drivers earn? So, किसी भी बात को समझने के लिए जरूरी है उस बात को शुरुआत से जानना। एंड टॉकिंग अबाउट ओला एंड उबर की शुरुआत, इन दोनों ने 2015 में अपने कदम मार्केट में रखे थे, और अपने इनोवेटिव मॉडल से कदम रखते ही उन्होंने जल्द से जल्द मार्केट को कैप्चर भी कर लिया था, और अपने रैपिड एक्सपेंशन के लिए ड्राइवर्स को बड़े बड़े ऑफर्स दिखाकर लुभाना चालू कर दिए। इनफैक्ट उनका मार्केटिंग टैगलाइन भी ड्राइवर्स कैन नाउ अर्न अप टू मोर देन 1 लाख इन अ मंथ था। अब जाहिर सी बात है कि मार्केटिंग और ऑफर ही इतना अच्छा लगाया हो तो बिजनेस सक्सेसफुल बनना ही था, और वो सक्सेसफुल बना भी। ओला एंड उबर ने लेट 2015 तक मार्केट में वो नाम बना लिया था कि मार्केट के दूसरे कंपनीज लाइक कूल कैब एंड मेरू कैब्स का तो मार्केट से नाम ही कट गया। नाइस, पर वो कहते हैं ना कभी कभार ज्यादा सक्सेस से लालच पैदा होती है, और बस वही लालच की लत ओला एंड उबर कंपनीज को भी पड़ गई, जिसके चलते 2016 से कंपनीज के सारे ड्राइवर्स का इनकम पथ से बदतर होने लगा, क्योंकि दोनों ही कंपनीज बस प्रॉफिटेबिलिटी पर ही ध्यान देने लगी, और प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान देना, ड्राइवर्स को इंसेंटिव्स या बोनसेस ना मिलना, यानी कि उनके इनकम में शार्प डिक्रीज आना। और यही वजह है कि ओला एंड उबर कार ड्राइवर्स जो अर्निंग 2015 में करते थे उसके मुकाबले आज वो काफी कम हो चुकी है। सो बेसिकली यहाँ पर कोई फिक्स्ड सैलरी सिस्टम नहीं होता है कि अगर आपकी कमाई इतनी है तो वो इतनी ही रहेगी या इससे बढ़ेगी, बल्कि यहाँ पर राइड बेस्ड पेमेंट सिस्टम होता है, यानी कि रुपीस पर किलोमीटर के सिस्टम से पेमेंट मिलेगा। जहां इफ देखा जाए तो 2015 में ये रेट्स 15 से 18 किलोमीटर थे, और आज के तारीख में वो रेट 9 से 10 किलोमीटर तक गिर चुके हैं। ड्राइवर्स की संख्या गिरकर 20% पर आ गई, ड्राइवर्स का पे आउट कम हो गया, बट इस सबसे कंपनी का कोई नुकसान हुआ? वेल, बिल्कुल नहीं, बल्कि फायदा ही फायदा हुआ। मैं बताता हूँ कैसे। अगर हम ओला के ग्रोथ ग्राफ को देखें तो फरवरी 2015 में वो इतना था और आज वो इतना है, यानी कि इंक्रीज बाय 73.5%। इनफैक्ट टेक इंडस्ट्री में होने की वजह से और भी कई सारे टेक प्लेटफॉर्म्स जैसे कि जोमैटो, ओयो एटसेट्रा एंड द बंच ऑफ अदर कंपनीज को भी सिमिलर ग्रोथ मिला है। अब हम बात करते हैं ड्राइवर्स के कमीशन, यहाँ पर बात सिर्फ रेट्स के कम होने पर ही खत्म नहीं होती है, इसके अलावा इन रेट्स में से कंपनी का और गवर्नमेंट के कमीशन और टैक्सेस भी कटते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट कंपनी कमीशंस, तो 2015 में इट वॉज 10%, और आज के तारीख में इट हैज रिजन टू 20 से 25%, विच इज अ बिग ना इंसाफी कि ड्राइवर्स को बुलाने के लिए आप 10% दे रहे हो और आगे फिर बढ़ा दे रहे हो। सो अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि महंगाई भी तो बढ़ रही है,
और कमीशन भी बढ़ रहे हैं और कैसे महंगाई में ड्राइवर सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि हमने एक्सपेंसेस के बारे में तो बात ही नहीं की है। वेल टॉकिंग अबाउट एक्सपेंसेस, तो उस पर्टिकुलर ड्राइवर को रोजाना तीन वक्त के मील्स जो वो ढाबे या होटल में करेगा उसके एक्सपेंसेस होंगे, टोल टैक्स और फ्यूल के चार्जेस भरने होंगे, गाड़ी के मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग के चार्जेस भरने होंगे, एंड इन केस इफ गाड़ी लोन पे ली है तो उसके ईएमआईस भी भरने होंगे, और ये सारे के सारे खर्चे ड्राइवर्स को खुद उठाना पड़ेगा। मतलब कि ओला एंड उबर कोई भी एक्सपेंस रीइंबर्स नहीं करेगा। सो मे बी आप सोच रहे होंगे कि आज की तारीख में इन ड्राइवर्स की एवरेज पे आउट कितनी है। Well, काफी घंटे काम करने के बाद, लगातार ड्राइविंग करने के बाद उबर कार ड्राइवर्स महीने के लगभग 30,000 रुपीस के अराउंड कमा रहे, जो काफी है या फिर शायद कम है, क्योंकि 2015 की अगर बात करें तो तब यही ड्राइवर्स ईएमआई, फ्यूल एंड दोनों कमीशंस को हटाकर भी 70,000 रुपीस से ज्यादा कमा रहे थे, और कुछ ही सालों में इतना बड़ा गैप आ गया है, जो काफी दुख की बात है। बट उससे भी ज्यादा दुख की बात तो यह है कि इन ड्राइवर्स को कोई भी किस्म का इंश्योरेंस भी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ड्राइविंग एक रिस्की काम है। अगर आप 12-12 घंटे, 14-14, 17-17 घंटे ड्राइविंग करने वाले हो, सो यू बेटर बी इंश्योर्ड, राइट? इस विषय के बारे में जुलाई 2019 में पता चला था, जब इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स IFAT और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ने मिलकर एक सर्वे पब्लिश किया। उस सर्वे से ये पता चला कि सर्वे में पार्टिसिपेट करने वाले ड्राइवर्स में से 95.3% ड्राइवर्स के पास किसी भी तरह के एक्सीडेंटल, हेल्थ या मेडिकल इंश्योरेंस ही नहीं था। और तब इस बात से भी खुलासा हुआ कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मोस्ट ऑफ दी ड्राइवर्स ओवरटाइम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैंगलोर के उबर ड्राइवर संदीप की बात करें तो वो सुबह 7 बजे से अपने काम के लिए निकलते हैं और उनका काम रात के 12 बजे तक चलते रहता है, विच मीन्स मोर देन 16 से 17 आवर्स वो अलर्ट रह के गाड़ी चलाते हैं। और तो और इतना ज्यादा ओवर टाइम करके भी एंड ऑफ द डे सब काट वाट के उनके हाथ में सिर्फ 800 से 1000 रुपए ही आते हैं। यानी कि इफ एस्टिमेशन लगाया जाए तो वो हर महीने लगभग सिर्फ 26,000 से 28,000 रुपीस कमा रहे आफ्टर वर्किंग 17 आवर्स। उनसे पूछने पर ये पता चला कि ओला एंड उबर के इंसेंटिव दो चीजों पर निर्धारित है। फर्स्ट, चार्जेस एज पर किलोमीटर, एंड सेकेंड इज कंडीशनल इंसेंटिव बेस्ड ऑन योर नंबर ऑफ ट्रिप्स कंप्लीटेड इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। यानी कि बात साफ है, वो जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे उनके उतना ज्यादा चांसेस होंगे इंसेंटिव्स पाने के, विच इज काइंड ऑफ ओके, क्योंकि अगर हम पास्ट में देखें तो इसी इंसेंटिव सिस्टम ने ओला एंड उबर को आगे पहुंचाने में काफी मदद की थी, और तब ड्राइवर्स भी काफी खुश थे क्योंकि उन्हें उनके मेहनत के पैसे मिल रहे थे। पर अब बात बदल गई है, अब ये कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी और एक्सपेंशन में लग गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओवर ईट्स, ओला मनी, ओला इलेक्ट्रिक एक्सेट्रा जैसे फील्ड्स में एक्सपैंड हो रहा है, और इसके चलते उन्होंने ड्राइवर्स के इंसेंटिव्स कम कर दिए हैं। यानी कि ड्राइवर्स चाहे 17 घंटे काम करे या 24 घंटे, वो जितना पहले कमाता था वो आज की तारीख में उतना नहीं कमा पाएगा। प्लस ओवर टाइम की वजह से उनके हेल्थ पर पड़ रहे असर की भी तो हमने अभी तक बात नहीं की है। IFAT सर्वे में इस बात का भी जिक्र हुआ था कि करीबन 60% ऑफ ड्राइवर्स बैक एक से गुजर रहे हैं, और बैक एक के अलावा उन्हें कॉन्स्टिपेशन, लिवर इश्यूज, वेस्ट एक, नेक एक और चेस्ट पेन भी झेलना पड़ता है। प्लस कुछ ड्राइवर्स पोल्यूशन की वजह से अस्थमा का भी शिकार हो चुके हैं। और इसीलिए यहाँ पर एक बात तो साफ साफ पता चल रही है कि ओला एंड उबर के ड्राइवर्स अच्छा खासा झेल रहे हैं, जिससे अब ये सवाल पैदा होता है कि क्यों अभी तक किसी ने आवाज उठाई नहीं है इस बारे में। क्यों कंपनीज अपनी पॉलिसीज ऐसे चेंज करती है कि उससे उनके पार्टनर्स का लॉस होता है, और क्यों कंपनीज अपने पार्टनर्स के हेल्थ के लिए कुछ नहीं कर रही है। वेल, ये कंपनीज इतने चालू है कि गवर्नमेंट चाह के भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये दोनों ही कंपनीज अपने ड्राइवर्स को एज एन एम्प्लॉइज कंसिडर करते ही नहीं है। जैसे मैंने कहा, इन सभी ड्राइवर्स को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है, और ये कंपनी के ड्राइविंग पार्टनर्स कहलाए जाते हैं। अब इससे होता क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड लेबरर्स एंड वर्कर्स है, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1947, वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 जैसे लॉज है जो उन्हें सोशल बेनिफिट्स दे सकते हैं और जो उन्हें इंसाफ दिला सकते हैं, ड्राइवर्स के लिए वो लॉज एप्लीकेबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लॉज एम्प्लॉयज के लिए, और ये ड्राइवर्स तो ओला एंड उबर कंपनीज के ड्राइवर पार्टनर्स हैं। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई है, तो यस, आवाज उठाई गई है। दिल्ली के एक ड्राइवर्स यूनियन ने दिल्ली हाई कोर्ट में इसके खिलाफ पिटीशन दर्ज की थी, बट अनफॉर्चुनेटली दिल्ली हाई कोर्ट के आखिरी सुनवाई से भी इसका कोई नतीजा सामने नहीं निकला, जिसके बाद मुंबई लॉ फर्म के एसोसिएट शौर्य बारी और जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल की स्टूडेंट अदिति सिंह कश्यप ने 2018 में एक एकेडमिक पेपर पब्लिश करके ओला एंड उबर के नैरेटिव के खिलाफ आवाज उठाई। इस बार आवाज को दो मेजर फैक्ट्स के साथ उठाया गया था। नंबर 1, उबर की दखलंदाजी और उसका पावर,
हमें ओलावर में ड्राइव करते हुए करीब 6 साल प्लस हो गया है। 6 साल प्लस हो गया है, ठीक है। और आज की कंडीशन ओलावर में गाड़ी चलाने के बावजूद बहुत बढ़ने से लगे बहुत नीचे आ चुकी है। जिसमें उन्होंने लिखा था कि उबर अपने ड्राइवर्स को उबर के अलावा दूसरी किसी भी तरह के कंपनीज का बुकिंग नहीं करने देता है। प्लस राइड के फेयर में से ड्राइवर को कितना मिलेगा ये सिर्फ कंपनी तय करती है, जिसके चलते वो ड्राइवर के रोजी रोटी कमाने के जरिए में इनडायरेक्टली दखल अंदाजी कर रही है, विच इज नथिंग बट उबर एक से ज्यादा तरीकों से अपने ड्राइवर्स पर इकोनॉमिक कंट्रोल बनाए बैठा है। नंबर 2, एम्प्लॉय या पार्टनर का कंफ्यूजन खड़ा करना। अब जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले ही बात की कि ओला एंड उबर अपने ड्राइवर्स को एम्प्लॉयज मानता ही नहीं है बल्कि ड्राइविंग पार्टनर बताता है, सो दैट उनके खिलाफ ना कोई आवाज उठा सके और ना ही ड्राइवर्स को सोशल बेनिफिट्स मिले। बट जैसे उन्होंने वर्ड से खेला वैसे ही शौर्य और जिंदल ने इनके ही वर्ड से खेला। उन दोनों ने कोर्ट में इस बात को सामने रखा कि इफ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद पार्टी ए पार्टी बी को रेगुलरली पे कर रही है तो वो रिलेशनशिप इनडायरेक्टली एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप बन जाता है, जिसके चलते ओला एंड उबर के ड्राइवर्स को एम्प्लॉयज का दर्जा दिया जाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक इस मामले पर भारत की किसी भी अदालत ने अपना कोई भी फैसला नहीं सुनाया, जिसके चलते एम्प्लॉयज सहते रहते हैं और कुछ लोगों ने तो अपना काम ही चेंज कर लिया है। और स्टेटिस्टिक्स ये साफ साफ दिखाता है क्योंकि 2016 में जो डेली राइड्स का ग्रोथ 90% था 2018 में वो महज 20% तक आ पहुंचा है। और आज आपने वो सभी रीजंस जान लिए हैं, एक रीजन नहीं है बल्कि मल्टीपल रीजंस है, जैसे रिड्यूसिंग इंसेंटिव्स, पेट्रोल के भाव का बढ़ावा जिसके चलते ड्राइवर्स एक्सपेंसेस नहीं पे कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें जो पर किलोमीटर मिलता था वो ही कम हो चुका है और पेट्रोल का प्राइस बढ़ चुका है। अपराइजिंग केसेस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट बाय ड्राइवर्स, जिसके चलते डिमांड में एक सबसीक्वेंट ड्रॉप आ गया है, जिसके चलते राइडर्स के डिमांड में भी एक सबसीक्वेंट ड्रॉप आ गया है। एंड टू टॉप इट ऑल द COVID-19, जिससे स्टेटिस्टिक्स 2018 के बाद आज और भी बिगड़ गए। कोविड ओला एंड उबर की लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट है जिसने उनकी कंपनी का नुकसान भी किया था बट अब उसे एक नया मौका देने में भी मदद कर रही है। सो क्या नया मौका दे रही है? वेल, ओला ने 2017 में अपने ड्राइवर्स के लिए इन ट्रिप इंश्योरेंस शुरू किया था, जहां उनके डेली बेनिफिट्स, आउटस्टैंडिंग कार लोन्स और बच्चों के एजुकेशन कवर करने के लिए 50,000 रुपीस तक का कवरेज ऑफर किया था, जो उन्होंने COVID-19 के टाइम्स में उनके ड्राइवर्स का भरोसा जीतने के लिए फुलफिल किया बाय ऑफरिंग 30,000 रुपीस। एंड सिमिलरली उबर ने उबर केयर प्रोग्राम के जरिए पैंडेमिक के दौरान ड्राइवर्स के कई सारे कर्जे लाइक लीज एंड रेंटल्स एंड EMIs माफ कर दिए थे। प्लस लॉकडाउन एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से ओला एंड उबर की डिमांड बढ़ गई थी और कोविड के टाइम पे मेडिकल बेनिफिट्स ने ड्राइवर्स को रिटेन करने में काफी हेल्प किया। सो ऐसा लग रहा है कि कंपनीज अभी कुछ मेजर्स जरूर ले रही है जब इन्हें दिखाई दे रहा है कि इनके स्टेटिस्टिक्स कितने फॉल हो रहे हैं। सो क्या आपको नहीं लगता कि कंपनीज को अपने पार्टनर्स के लिए और ज्यादा करना चाहिए? जो लोग अपनी जान जोखिम में डाल के 16-16, 17-17 घंटे ड्राइविंग जैसा रिस्की जॉब कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, क्या उन्हें अपने हक का नहीं मिलना चाहिए जितने पे बात हुई थी? What do you think about that, friends? लिखिए अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए।